हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज लेट वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस थ्री डिवाइड बाई एक्स माइनस टू। फाइंड ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वाई टेक रियल वैल्यूज। सो हमें इसका बताना है आंसर क्या निकल के आएगा। सो यहाँ से अगर इस क्वेश्चन के लिए हम जो की कंसेप्ट देखें, वो की कंसेप्ट क्या हो जाएगा। यहाँ पे अगर कोई भी फंक्शन हमें रूट में दे रखा है, लेट्स से हमारे पास रूट ऑफ एफ एक्स है, तो ये फंक्शन डिफाइन कब होगा? जब हमारा रूट ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। और अगर हमारे पास कोई भी टर्म दे रखे, यहाँ पे जैसे न्यूमरेटर है और यहाँ पे डिनोमिनेटर है, तो यहाँ पे ये कब डिफाइन होगी? जब हमारा डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो होने वाला है। तो जब इन कंडीशन पे लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हमारा सोल्यूशन क्या आने वाला है? यहाँ पे अभी क्या दे रखा है हमको, वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू। सो यहाँ से क्या होगा, हमें इसको डिफाइन करने के लिए यहाँ पे जो एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए ये होगा, और एक्स माइनस टू इज नॉट इक्वल टू जीरो। हमारे पास ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए जब ये हमारा रूट सेटिस्फाई होगा यहाँ पे। तो अगर यहाँ से देखें तो एक्स की वैल्यू क्या क्या निकल के आती है, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, थ्री एंड टू। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक्स इज नॉट इक्वल टू टू आएगा, तो यहाँ से जो टू है ये तो हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे टू डिनोमिनेटर में है। अब अगर हम यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करें और फिर निकालें कि कहाँ पे इसका पॉजिटिव रहने वाला है और कहाँ पे ये नेगेटिव रहने वाली है, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज हैं, एक है थ्री, एक है टू, थ्री टू और माइनस वन। अब देखो, अगर हम यहाँ पे थ्री से कोई बड़ी वैल्यू पुट करेंगे, लेट से हम अगर फोर पुट करते हैं इसके अंदर अगर फोर पुट करेंगे, तो क्या होगा, ये वाली टर्म पॉजिटिव होगी, ये वाली टर्म भी पॉजिटिव होगी और ये वाली टर्म भी पॉजिटिव होगी। सो हमारा ओवरऑल फंक्शन क्या बन गया, पॉजिटिव। अब अगर हम टू और थ्री के बीच में कोई वैल्यू पुट करते हैं, लेट से हम 2.5 पुट करते हैं, तो ये वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी और ये वाली टर्म हमारी पॉजिटिव है और ये वाली टर्म भी पॉजिटिव है, तो जो हमारी ओवरऑल टर्म है वो हो जाएगी नेगेटिव। यहाँ पे नेगेटिव आएगा, सिमिलरली यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे नेगेटिव आएगा। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछिए, फाइंड ऑल द रियल वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच वाई टेक रियल वैल्यूज। तो जब इसके लिए हम करेंगे, तो यहाँ पे इक्वेशन में क्या बोला है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा, तो पॉजिटिव हमारा इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आएगा माइनस वन कॉमा टू, माइनस वन को हम ले सकते हैं लेकिन टू को नहीं ले सकते क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर में बिलोंग करता है ये। यहाँ से थ्री टू इन्फिनिटी, तो जो हमारा एक्स बिलोंग करेगा वो करेगा माइनस वन क्लोज ब्रैकेट टू टू ओपन ब्रैकेट यूनियन थ्री क्लोज ब्रैकेट टू इन्फिनिटी। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।